Yes, I know, literally बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ एंड आई एम ग्लैड कि इतना टाइम बाद भी लोगों ने मुझे याद रखा है. इट्स हैज बीन 6 months दैट आई हैवेंट अपलोडेड एनी व्लॉग. रीजंस पूछो तो बहुत है. माय प्रोजेक्ट्स, टू मच वर्कलोड एंड आफ्टर दिस ऑल कैमरे के सामने आने का बिल्कुल एनर्जी नहीं होता था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए. तभी जिंदगी ने बोला मैं अभी बाकी हूँ, छुपी हुई हूँ सुबह का नरम धूप में, पहली चाय के प्याली के रूप में, कोयल के कूक में, चंद शांत लम्हों के रूप में, मैं तो यही हूँ, तुम कहाँ हो. बट इसी बीच मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त एंड बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा भाई व्लॉग कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं व्लॉग्स, एंड सबको मैंने सेम रिप्लाई दिया. बहुत सारे प्लेसेस के वीडियोज एंड क्लिप्स मेरे पास रेडी है, बस एडिट करके अपलोड करने की देरी है. सो फाइनली मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया है कैमरे के सामने खुद को प्रेजेंट करने का एंड यूट्यूब में व्लॉग्स अपलोड करने का. तो चलो शुरू करते हैं हमारे पुचू बॉय के साथ. What's up guys, welcome back to my channel. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सो गाइस, यहाँ से हमारा ट्रेन का सफर शुरू होता है गंगारामपुर टू कोलकाता. एंड इसी के साथ आप लोगों को पता है मेरे हर अच्छे काम में रुकावट तो आती ही है, तो एज यूजुअल वही हुआ. बारिश ने बहुत कोशिश किया हमारे व्लॉगिंग एज वेल एज हमारे सफर को रोकने का, लेकिन जैसे तैसे हम लोग बोरिया बिस्तर लेके पहुंच गए कोलकाता. एंड देन कोलकाता पहुंचने के बाद हमारा बस का सफर स्टार्ट हुआ दीघा की ओर. कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ थक हार के पहुंच गए हम लोग फाइनली दीघा. सो गाइस, जिन लोगों को नहीं मालूम, दीघा फेमस है सी बीच के लिए. सो गाइस, अब हम लोग फ्रेश होके नहा धो के लंच वंच अच्छे से मस्त कंप्लीट करने के बाद पहुंच गए बीच पे. दादा तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग पे, स्पीड बोट. ये जो ट्रिप है ये राहुल दादा स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो जितना भी खर्चा होगा सब कुछ राहुल दादा करेंगे, सब कुछ, खाना पीना, स्पीड बोट एंड ऑल द थिंग्स. हाँ, आपको भी फ्री चाहिए तो राहुल दादा से कांटेक्ट करो, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ये रहे हमारे महान हस्ती राहुल दादा. दादा क्या क्या फ्री में दे रहे हो, क्या क्या है स्कीम में? कुछ नहीं है, बकवास कर रहा एंड इतना सारा एक्टिविटीज के बाद पेट पूजा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था, तो हम लोग नाश्ता वास्ता लेके अगेन समुन्दर किनारे लहरों को एंजॉय करने बैठ गए एंड एक दूसरे को जिंदगी के दुख दर्द के दास्ताएं सुनाने लगे. एंड देन फिर डिनर विनर करके मस्त थक हार के घोरे वोरे बेच के मस्त सो गए हम लोग. एंड नेक्स्ट डे पुचू बॉय हम लोगों से परेशान होके अपने दोस्त को ही बुला लिया एंड उनके आते ही हम लोग अगेन बीच पे चले गए एंड हमारी मस्ती अब आप लोग देख ही लो.
ट्यूब ट्यूब करो पापर कर पटाफट इसी के साथ हम लोगों ने दिखा के लास्ट दिन को इतना ज़्यादा एंजॉय किया एंड यादों के पिटारों को एकदम मस्त भर दिया फोटोज एंड वीडियोस के साथ। अब हम लोग इसी इंतज़ार में थे कि कब सूरज की पहली किरण हमारे रूम तक आएगी एंड हम सब लोग ज़िंदगी के अलग अलग सफ़र पे निकल जाएंगे। एंड देन गाइस सुबह होते ही हम लोगों ने दीघा से बस पकड़ा एंड कोलकाता तक आ गए। एंड कोलकाता आने के बाद हम लोगों के पास थोड़ा बहुत एक दो दिन और टाइम था तो हमने सोचा क्यों ना कोलकाता को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो हमने कोलकाता में भी काफ़ी सारे पिक्स खींचे, बहुत सारे वीडियोज़ निकाले, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्लेस पे गए। एक मस्त बाबा जी का चाय पिया हम लोगों ने, उनका चाय पीने का वीडियो आप देखोगे ना बहुत ही मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, तो देखो थोड़ा बहुत। एंड देन इस बाबा जी के चाय को एंजॉय करते हुए हम लोगों ने नदी के किनारे भी बैठे थोड़े बहुत मस्ती मज़े मारे, बहुत रिलैक्स किए अच्छे से, काफ़ी सारे और भी फोटोज वोटोज खींचे। एंड देन हमारा एंजॉयमेंट का दिन ख़त्म हो चुका था एंड इसी के साथ मोनी बाबा और मैं अहमदाबाद की ओर निकल गए ताकि मैं मेरे सपनों के सफ़र को चेस करने पर निकलूँ अगेन। आई नो बहुत ज़्यादा क्लीशे है बट थोड़ा बहुत कर लो एडजस्ट। सो गाइज इसी के साथ अब दीघा की स्टोरी ख़त्म होती है एंड आगे की सफ़र और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो स्टे ट्यून एंड अगला व्लॉग जो आएगा वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाले। एक्चुअली अभी जो व्लॉग्स आएंगे वो लिटरली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करोगे आप, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे आप एक्चुअली। सो स्टे ट्यून। सो गाइज इस व्लॉग को आप लोग बहुत सारा प्यार देना, बहुत ज़्यादा ही प्यार देना एंड इंतज़ार करना अगले व्लॉग के लिए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग पे। जय श्री राम, टेक केयर, सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखो, अच्छे से रहो। एंडिंग थोड़ा भूल गया हूँ मैं, याद आ जाएगा नेक्स्ट व्लॉग तक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जय श्री राम।